भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 21 रनों से जीत लिया है। इसके साथ ही कंगारू टीम ने सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 270 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में टीम इंडिया 248 रन पर सिमट गई और मुकाबला गंवा दिया। तो आइए जानते हैं नज़दीकी मुकाबले में इंडिया और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में कैसे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पटकनी दी, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। और आप भी हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा को आप भी बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 270 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने महज 248 रन पर सिमट गई और मुकाबला गंवा दिया। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलने के लिए आए पीटर हैंडस्कोप और मिचेल मार्श ने शानदार शुरुआत किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले 2 ओवर में ही 20 रन ठोक डाले। आपको बता दें दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पूरा ही अग्रसर दिख रहे थे और पहले ही ओवर से टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी का बॉल पे छक्का मार के अपना मनसूबा जाहिर कर दिया कि क्या करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में भारत को 21 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज में 2-1 से अपने नाम की है। भारतीय टीम 4 साल बाद अपने घर में कोई वनडे सीरीज हारी है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 269 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने अच्छी शुरुआत की थी और विराट कोहली के अर्धशतक के चलते मैच जीतने के करीब पहुंचा था, लेकिन अंत में भारत ने लगातार विकेट गंवाए और पूरी टीम 248 रन पर सिमट गई। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने मुंबई में 5 विकेट से जीता था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने विशाखापट्टनम यानी वाइजैक में दूसरा वनडे 10 विकेट से अपने नाम किया था और अब तीसरा मैच भी जीतकर सीरीज भी जीत लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पिछले मैच में भी इंडिया को शर्मसार होना पड़ा था जब सूर्य कुमार यादव 0 पे आउट हुए थे और विराट कोहली महज 30 रन बना सके थे। आपको बता दें दोस्तों कि 10 विकेट से हारना कोई छोटा मोटा बात नहीं होता। विशाखापट्टनम की पिच पे टीम इंडिया ने बहुत शर्मनाक प्रदर्शन की थी जिसको 10 विकेट से गंवाना पड़ा था। आपको बता दें दोस्तों वहीं तीसरे वनडे में भी वही हाल रहा, इंडिया 10 विकेट गंवा दिए महज 248 रनों के अंदर। विराट कोहली जब तक पिच पे थे लग रहा था मैच एक तरफा जीत इंडिया का ही होगा, वहीं विराट कोहली के आउट होने के बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और टीम इंडिया को अपने हार से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों ये सीरीज टीम इंडिया गंवा चुकी है। आपको बता दें दोस्तों कि विराट कोहली और हार्दिक पांड्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एडम जप्पा ने एक ही ओवर में दोनों को आउट कर इंडियन टीम का कमर तोड़ दिया और इंडिया को हारने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इसी साल वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है और वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन अभी भी सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि अगर टीम इंडिया का सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो टीम इंडिया कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगी। वो इसलिए कि टीम इंडिया में अभी तक वो बैलेंसिंग नहीं दिख रहा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया लेकिन वो तीनों मैच में 0 पे फोल्ड हो गए। वहीं पर बात करें दोस्तों बॉलिंग का, तो बॉलिंग में भी वो धार नज़र नहीं आ रहा है जो बैलेंस प्रदान कर सके। एक रविंद्र जडेजा और एक हार्दिक पांड्या जो कि टीम को बैलेंस देने का काम करते हैं, बाकी खिलाड़ी अपने तरफ से पूरा 100% नहीं दे पाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि लास्ट में जो मोहम्मद शमी का विकेट गिरा, मोहम्मद शमी 10 गेंदों में महज 14 रन बना सके और उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था, लेकिन मार्कस स्टोनिस ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और कुलदीप यादव मोहम्मद सिराज भी आउट हो गए। रोहित शर्मा सुमन गिल का ओपनिंग जोड़ी भी नहीं चलना एक भारत के लिए सबब बना हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि रोहित शर्मा और सुमन गिल को कहीं ना कहीं 100 रनों का पार्टनरशिप करना था, तभी टीम इंडिया को मजबूती प्रदान कर सकते थे। आपको बता दें दोस्तों वहीं टीम इंडिया को मजबूती प्रदान इसलिए नहीं हुआ कि टीम इंडिया के ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी भी जल्दी आउट हो गए। वहीं रोहित शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों में 30 रन ठोक डाले थे। लग रहा था ऐसा कि आज रोहित शर्मा कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा भी जल्दी चलते बने। आपको बता दें दोस्तों कि विराट कोहली आए तो विकेट को रोक के रखा था, लेकिन विराट कोहली भी 50 रन बनाकर 54 रन बनाकर आउट हो गए। इसके साथ ही टीम इंडिया 2-1 से ये सीरीज हार चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि टीम इंडिया ये सीरीज हार चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि वनडे वर्ल्ड कप का इंतजार रहेगा। टीम इंडिया इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी 7 जून को भिड़ेगा। वहीं वनडे वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया शिरकत करेंगी। इस साल वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में ही होना है, तो आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।